अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो फाइनली फ़ातिमा जा रही हैं स्कूल और फ़ातिमा के आज से एग्ज़ाम्स हैं, तो अल्लाह पाक मेरी बेटी को कामयाब करे। है तो अभी बहुत छोटी सी, पर एग्ज़ाम्स तो एग्ज़ाम्स हैं और हर माँ बाप की दुआ होती है अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। तो यहाँ मैं और अली फ़ातिमा को बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रहे हैं और अल्लाह पाक फ़ातिमा को कामयाब करे। अभी इसके जो है वो शुरुआत है, शुरुआत से ही अच्छी पढ़ाई करेगी और अच्छे रिज़ल्ट लेके आएगी, तो आगे भी ऐसे ही रिज़ल्ट आते रहेंगे। तो आज की वीडियो का जो आपने टाइटल देखा कि फ़ाइनली मैंने अपने लाउंज की जो सेटिंग है वो कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह डाइनिंग भी आ चुकी थी और अब सोफ़े भी आ चुके हैं, तो ये मैंने उस दिन वीडियो कैप्चर की थी जिस दिन सोफ़े आए थे। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है और हमने जो है नीचे जाके लॉक खोला और सोफ़े आ गए। तो ये मैंने जो है पहले सोफ़े आने से पहले वीडियो बनाई थी कि क्या सेटिंग थी, तो मैंने वो जो है वीडियो में ऐड कर दी ताकि पता चले कि जब सोफ़े नहीं थे तो तब लाउंज में कैसे सेटिंग थी और सोफ़ों के आने के बाद जो है फिर लाउंज हमने कैसे सेट किया। जी तो व्यूअर्स, आज फाइनली मेरे लाउंज की जो है वो सेटिंग हो चुकी है और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जो है मेरा लाउंज कैसा लग रहा है और मैंने कैसे जो है वो सेटिंग की है। और अभी भी जो डेकोरेशन आइटम्स हैं वो अभी लगाने हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं आप लोगों को दिखा दूं कि सोफ़े भी आ चुके थे लेकिन बिज़ी थी इसलिए आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर सकी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सेटिंग चेंज की है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, तो फ़िलहाल हमने सेटिंग मुझे लग रहा है कि अभी भी चेंज होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हमें ये चीज़ अभी बिल्कुल सही लगी है। हमें थोड़ा जो है वो बीच का हिस्सा खाली करना था ताकि बच्चे जो हैं वो खेल विल सकें। और ये रहे सिंगल सोफ़े और ये मैंने ख़ुद जो है वो कलर सेलेक्ट किए थे कुशन्स के, मुझे ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो बताइएगा आप लोगों को कि मैंने सही कंट्रास्ट जो है वो सेलेक्ट किया है या नहीं। और ये रही, मैंने यहाँ पे साइड टेबल रख दी है, यहाँ पे ये बिन और टीवी स्टैंड हमने यहाँ पे रख दिया है। बहुत सारी जगहें चेंज हुई हैं, हर दीवार पे हर एक एक चीज़ लगा के देखिए, फिर हमें समझ नहीं आया, फिर वहाँ से हटाया है, फिर हमें समझ नहीं आया, फिर वहाँ से हटाया, तो फाइनली ये जगह हम लोग को बिल्कुल सही लग रही थी टीवी स्टैंड की, क्योंकि और किसी जगह पे जो है ये सूट नहीं कर रहा था और इसे हमने यहाँ सेट कर दिया है। और डाइनिंग को भी हमने बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ सेट कर दिया। तो ये चीज़ें सब करने से ये हुआ है कि हमारा लाउंज बिल्कुल भी छोटा नहीं लग रहा और बिल्कुल ठीक लग रहा है और स्पेस भी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और सिर्फ अभी कर्टन्स जो है वो रहते हैं, इंशाल्लाह ईद से पहले कोशिश करूंगी कि अच्छे से कर्टन्स भी ले लूँ। और डेकोरेशन आइटम्स आ चुके हैं, आपको सारी शॉपिंग दिखाऊँगी, तो देखिएगा आप लोग कि कौन सी चीज़ है और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करूंगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है और उसको पूरा हमने किस तरीके से लगाया है। तो ये देखिए, ये हमने ईबे से मंगाया था और काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था, इसकी कोई जगह हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको हम कहाँ लगाएँ, तो ये हमने लगाया है और आगे आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से अली ने लगाया है और बहुत इजीली लग गया। इसी तरीके से हमने एक और ये चीज़ भी ईबे से मंगाई थी, ये देखिए, ये सूरह इखलास लिखी हुई है और यकीन कीजिए कि ये हमें लगाते हुए बहुत टाइम लगा, ये हमने कुछ टाइम पहले ही लगा लिया था, इसकी जगह मुझे डिसाइड थी कि इसको मुझे यहीं सामने लगाना है। तो इसका एक ज़बर ज़ेर शद अलिफ बड़े वाले जो हरूफ हैं वो लगाना है तो ईजी थे, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं नुक्ते वगैरह
ये सब जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बड़ी मुश्किल से लगाया है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए हमने ईबे से ये ऑर्डर किया था। तो ये थी मेरी आज की लाउंज का फुल लुक। तो आप लोग बताइएगा कि आपको लाउंज की सेटिंग कैसे लगी। और अभी एक चीज़ और रहती है, कारपेट वॉश करने के लिए देना है, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जब डेकोर कर लूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से बाय की थी। जी तो ये है वो वॉल डेकोर पेपर या सीनरी जो हमने अपने वॉल पे लगाई। तो बहुत सारे डिज़ाइंस थे तो हमें ये कैज और बर्ड वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने जो है ईबे से ये ऑर्डर किया था। तो मैं अगर आपको इसकी प्राइस भी बताऊं तो बहुत ही चीप से इसके प्राइस थे, 1 रियाल में ये हमने जो है वो ईबे से ऑर्डर किया था, और तकरीबन 15 डेज़ में हमारे पास ये वॉल डेकोर पेपर जो है वो आ चुका था। जब ये आया था तो इतना प्यारा लग रहा था, हमें अभी भी पिक्चर जो हमने इसकी देखी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ये आया और इसके कलर वो ऑरेंज ग्रीन और वो केज ब्लैक, तो ये कंट्रास्ट इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ये बहुत ही एक छोटी सी जो है ना हमने जो है इन्वेस्टमेंट की ईबे पर, और हमें इतनी प्यारा वॉल डेकोर जो है ये मिल गया, तो यकीन करें दिल खुश हो गया। मगर इसकी जगह हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ लगाएं। तो बस अली ने कहा कि कॉरिडोर के बाद जो ये एरिया है ये जो है ना बेस्ट जगह है, क्योंकि इसका शेप ऐसा था कि जहाँ फील हो के जो हमारे कैजेस हैं वो जो है लटक रहे हैं ऐसे, तो यकीन करें बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये लगाने में तो उससे भी ज़्यादा ईजी था। तो बहुत ईजीली इसका जो मैप था वो उन्होंने बताया हुआ था कि ये कैसे लगेगा, तो अली को मैं हेल्प करा रही थी यहाँ पे अली की, और देखिए कि बहुत ईजीली लग रहा था, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। अलग अलग बड़े बड़े से पार्ट्स थे, बड़े बड़े दो कैच थे और लाइनिंग थी, बस ये है कि लगाते हुए थोड़ा सा एहतियात करना था कि जो है थोड़ा सा टेढ़ा ना हो जाए। तो बस यहाँ मैं अली को जो है वो साथ साथ गाइड कर रही थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि अस्मा ये चीज़ सीधी है, ये लकीर सीधी है, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ कि कैसा वो था, और इसको इजीली जो है हमने बना लिया। अब अलग से जो बर्ड दिए हुए थे वो अलग अलग से बर्ड थे और बटरफ्लाई थे, तो ये भी जो है हमने सेम हमने वैसे ही बनाया जैसे कि वहाँ पे इन लोगों ने हमें मैप में इसका डिज़ाइन हमें जैसे बताया हुआ था। तो ये लगाने के बाद हमारी वॉल लग रही है बहुत खूबसूरत। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रही है हमारी वॉल, और ये जो हमने बहुत सस्ता सा एक अपना वॉल के लिए जो डेकोरेशन पेपर मंगाया, तो वाकई इससे तो हमारी जो वॉल है वो बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत सी लग रही है। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, तमाम बटरफ्लाइज भी लगा दी हैं, और लगाने में बहुत इजी था। तो आप लोग भी ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो देखिए, और अगर आप लोगों को समझ आए तो मंगाइए, क्योंकि लगाने में बहुत इजी और जो है बहुत ही थोड़े से पैसों में हमने अपनी वॉल को बहुत खूबसूरत सा बना दिया। तो ये रहा पूरी वॉल का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में। और ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।